हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है कि जहां बाल होते हैं सर में, वहां पे पूरा एक जगह चकत्ता पड़ जाता है, और वो चकत्ता एकदम पूरे एक एरिया में पूरे बाल पूरे निकल जाएंगे। वहां पे पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा, स्काल पूरा दिखाई देगा, और वहां पे जो है एकदम स्किन एकदम चिकनी हो जाती है, बहुत एकदम चिकनापन हो जाता है, बाल वहां रहते नहीं है, तो इसे हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। मॉडर्न साइंस में इसको फंगस की बीमारी की वजह से होता है इस तरह के माना गया है, और उसके अंदर एंटी फंगल और स्टेरॉइड जैसी दवाइयां दी जाती है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा कुछ खास रिजल्ट मिलते नहीं। आयुर्वेद में हम लोग वहां पे कफ की ट्रीटमेंट करते हैं कि वहां पे कफ का इम्बेलेंस हो गया है, उसकी वजह से वहां बाल नहीं निकल रहा है, तो हम लोग वहां कफ का ट्रीटमेंट देते हैं। एक जबरदस्त मेडिसिन है जिसका नाम है भृंगराज। आप भृंगराज का पेस्ट लीजिए और आप जिस जगह पे एलोपेशिया एरियाटा है उस जगह पे स्किन पे जहाँ चकत्ते बने हुए हैं, जहाँ बाल एकदम से नहीं आ रहे, वहां पे आप लगा दीजिए, और इसको आप रेगुलर अगर लगाएंगे तो धीरे धीरे उस जगह पे बाल आना चालू हो जाएगा और एलोपेशिया एरियाटा से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसमें कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन भी देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, खास करके उसके अंदर हम लोग गंधक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जो है सल्फर खाने के लिए दिया जाता है, प्यूरिफाइड सल्फर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जो हम लोग देते हैं, तो इसमें ये भी एक होता है। इसके साथ साथ अगर आप हिजामा कराते हैं तो बहुत ही बेस्ट फायदा होता है इसमें, कि हिजामा बहुत ही अच्छा है, जितनी भी गंदगी है टॉक्सिन्स है वो निकल जाती है, तो हिजामा से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हिजामा के साथ साथ जलोका उच्चारण एक होता है जिसमें हम लोग जलोका लगाते हैं, लीश थेरेपी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये पेस्ट लगाया, आपने हिजामा कराया और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, तो ये एकदम जड़ से खत्म हो जाता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको तकलीफ है तो आप ये फॉर्मूलों का इस्तेमाल करिए और आप अपने आप को सेहतमंद बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए।